हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि गिफ्ट पॉइंट तो यूज़ करने का उनको ऑप्शन मिल रहा है, उनको दिखा भी रहा है कि गिफ्ट पॉइंट आपका यूज़ होगा, लेकिन यूटिलिटी मनी कैसे यूज़ होगा, वो उसका पैसा कैसे इसमें ट्रांसफ़र होगा, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोगों को हो सकता हो कि कंफ्यूजन हो कि गिफ्ट वॉलेट यहाँ पे कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले अगर गिफ्ट वॉलेट के लिए आपका अगर कंफ्यूजन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, इंडिया नीड्स के नाम से वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जो आज आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से गिफ्ट वॉलेट को आप इंडिया नीड्स पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस पैसे को यूज़ करके आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही दिखाऊंगा कि आपका जो यूटिलिटी मनी में पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को यहाँ पे कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस पैसे को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको साइड में आपको वीडियो देख ही रहा है। सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है, ये ऊपर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे लॉगिन का, सिंपल सा ही इस पे ही लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड फिल कर लिया है, अब इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब सिंपल सा यहाँ पे देखिए, मैंने इस पर अपने पैसे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ माई अकाउंट, ऊपर जो लॉगिन के यहाँ पे लॉगिन के जस्ट ऊपर लॉग आउट के जस्ट ऊपर माई अकाउंट लिखा हुआ है, इस माई अकाउंट पे ही आपको क्लिक करना है। माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर तीन लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई मनी, माई मनी पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे मेरा माई मनी में 825 रुपये दिख रहा है, यहाँ पे आपका माई मनी में 0 रुपये दिखेगा। और नीचे आपको जो ऑप्शन दिख रहा है माई यूटिलिटी वॉलेट, इसमें मेरा 0 रुपये दिख रहा है, आपका इसमें वो पैसा दिख रहा होगा जो आपका यूटिलिटी वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है, वो पैसा यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर वो पैसा यहाँ पे आपका दिख रहा है तो सिंपल सा आपको यह कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैसा ट्रांसफ़र करने का, और सिंपल सा उस पर ही आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करके उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहीं पे जहाँ पे माई यूटिलिटी वॉलेट लिखा हुआ है यहीं पे कहीं ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर लिया है तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, आपका वो ऑप्शन शो करेगा। तो यहीं पे आप क्लिक करिएगा तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप बताइएगा। मेरे पास एक और कल एक आईडी आने वाली है, उसमें उनका यूटिलिटी वॉलेट से शॉपिंग कराना है, तो उनका वीडियो बना के मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में दे दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहीं से आपको करना है, ये इतना मैं आपको बता देता हूँ, यहीं से आपको करना है। यहाँ पे कोई ना कोई ऑप्शन होगा ट्रांसफ़र करने का, या कुछ और लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, आपका इस माई मनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट बाय करना है होम पे क्लिक करिएगा और प्रोडक्ट सेलेक्ट करिएगा। जैसे ये बेडशीट है, इसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे पिन कोड अपना डाल के ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे आप, और उसके बाद जब आप यहाँ पे मेरे ऐड टू कार्ट में पड़ा हुआ है माई कार्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक 412 रुपए का हेडफोन मेरे कार्ट में पड़ा हुआ है, और इसे मैं चाहूँ तो यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ मेरा पूरा पैसा यूज होगा। 412 रुपए जो 825 रुपए है, तो 412 रुपए पूरा यूज़ हो जाएगा और ये हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल लग जाएगा। लेकिन मैं इस ऑर्डर को इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो यूटिलिटी मेरा जो गिफ्ट वॉलेट में पैसा है वो पैसा इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरा 2 दिन का टास्क पूरा नहीं था, तो टास्क नहीं पूरा होने की वजह से वो पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। जब मैं टास्क पूरा कर लूँगा उसके बाद ट्रांसफ़र करूँगा,
तो यहाँ पे मेरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा और यूटिलिटी मनी वाला पैसा मिला के उस पैसे दो दो प्रोडक्ट मैं यहाँ से बाय कर लूँगा। तो सिंपल सा प्रोडक्ट कैसे बाय करना है उसके लिए वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। गिफ्ट वॉलेट कैसे यूज़ करना है और प्रोडक्ट कैसे बाय करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में आपको ये देखने को मिला कि आपने यूटिलिटी वॉलेट के पैसे को कैसे माई मनी में ट्रांसफ़र करके आपको प्रोडक्ट बाय करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करिएगा। कल मैं इस वीडियो को आपको सारा कुछ क्लियर करके दिखा दूंगा और कोशिश करूंगा तो मेरे पास जो आईडी आए उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ज़रूर दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।